हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लुक को अचीव करने के लिए सबसे पहले मैंने ब्राउ को फिल इन किया है। का ब्राउ बेनिफिट का ये एक प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने सेट किया है अपनी ब्राउज को इस ब्राउ सेटर से। ये भी बेनिफिट कॉस्मेटिक से है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी कोरल ऑब्सेशंस पैलेट। अगर आप हुडा ब्यूटी की कोरल ऑब्सेशंस पैलेट को लेना चाहते हैं तो ये इंडियन स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट पैलेट है। अब मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ये शेड लिया है और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने टेप लगाया है, बाद में आप भी लगा सकते हैं शुरू से ही ताकि आपका लुक बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाए। अब एक टेपर्ड ब्रश की हेल्प से मैं ये कलर लेकर अच्छे से अपनी क्रीज के ऊपर लगा लूँगी और अच्छे से हम ब्लेंड भी कर लेंगे ताकि हार्श स्ट्रिकी लाइन्स ना दिखें। क्लीन करेंगे हमारी लिड स्पेस को और अच्छे से एक माइसलर वाटर के अंदर क्यूटिप को डिप कर लिया है हमने और उससे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे हमारी आईलिड स्पेस। क्रीज के लिए मैं यूज़ करूँगी आज ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर एंड दिस इज़ अ थिक वन। अच्छे से यूज़ करेंगे हम इसको, धीरे धीरे से क्रिएट करेंगे हमारी कट क्रीज। फुल कट क्रीज नहीं कर रहे हम, हाफ कट क्रीज ही कर रहे हैं। अब इस कट क्रीज को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी से ये ट्रांसलूसेंट पाउडर और धीरे धीरे टैप टैप कर कर हम सेट कर लेंगे हमारी कट क्रीज को। स्पॉन्ज एप्लीकेटर की हेल्प से ये वाइब्रेंट ब्यूटीफुल फॉइल शेड ले रही हूँ और इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। स्पॉन्ज एप्लीकेटर की हेल्प से आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ब्रश के हेल्प से ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं ढंग से। तो उसके बाद में मैं ले रही हूँ एक और फॉइल शेड और इसे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस बर्न्ड ऑरेंज शेड। रस्टी सा कलर है, बहुत ब्यूटीफुल, इसको आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ और ये लुक हमारा करीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लाइनर अप्लाई करेंगे। मैं लिक्विड लाइनर ले रही हूँ, ये फेसेस कैनेडा से है और मैं इस तरह से थोड़ा सा अच्छा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ। तो लाइन को टाइट लाइन करने के लिए नायका का काजल ले रहे हैं और अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड देन मैं ये रस्टी कलर लेकर लोअर लैश लाइन के पास अप्लाई कर रही हूँ। फिर ये वाला कलर लेकर अच्छे से स्मज कर रही हूँ ताकि अच्छे से एक ट्रांजिशन क्रिएट हो एंड देन आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन हाइलाइटर फॉर इनर कॉर्नर्स एज वेल एज ब्राउ बोन। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मेबेलिन हाइपोकल मस्कारा, फॉल्सीज अप्लाई कर लिया एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।